दोस्तों, अगर आपको भी नमाज़ पढ़ते हुए बहुत सारे वसवसे आते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक हदीस मुबारक का मफहूम आप लोगों को सुनाता हूँ। सहाबा किराम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलुल्लाह, जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो नमाज़ पढ़ने के दौरान हमें इस तरह के वसवसे आते हैं कि अगर हम उन्हें बता दें तो हमें कत्ल कर दिया जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर आप लोग क्या करते हैं। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम इन हयालात और वसवसों को झटकने की कोशिश करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबाई, जो तुम झटकने की कोशिश करते हो, ये असल में तुम्हारे वाज़ह ईमान की अलामत है जो इन वसवसों के बीच में कड़ा हो जाता है। तो पता चला कि अगर आपको वसवसे आते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इन ख्यालात और वसवसों को झटकने की कोशिश किया करें, ये भी एक वाज़ह ईमान की अलामत है। अल्लाह ताला हम सब को सही नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा दे।